गाना बना रही है। हाँ। हाय एवरीवन, सो न्यू डे न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। मुझे पता है आपने जो पहले वाला वेडिंग व्लॉग था ज्योति दी लोगों का वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया एंड उसके बाद ज्योति दी का डांस बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो आजकल चल रहे हैं शादी सीजन वाला सीजन तो आजकल चल रहा है शादी सीजन और आजकल बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड की शादी कैसे मिस कर सकते हैं। तो आज मेरी बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं उसको ऑलमोस्ट 10-11 साल से जानती हूँ, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो मेरे को बहुत बार पढ़ाती थी कॉलेज में। तो आज उसकी शादी है और आज उसका संगीत है बाय द वे। तो हम वहाँ जा रहे हैं तो और भी फ्रेंड्स लोग आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी शूट किया जाए और यू नो जो भी मस्ती मजे धमाल अपने ड्रेस अपना डांस सब कुछ फ्लॉन्ट किया जाए। तो अगर आप लोग इस टाइप के व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो शेयर करना बिल्कुल बनता है क्योंकि यू नो और लोग भी देखेंगे कि कैसे यू नो पहाड़ों की शादी संगीत कैसे होता है और यू नो लड़कियां कितने कितने मजे करती हैं संगीत में, तो वो आप कर सकते हो। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, तब तक मैं अब होती हूँ रेडी। बिल्कुल आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक भी रेडी नहीं हूं मैं, तो अब होना है मुझे रेडी। सो उसके बाद मिलते हैं तैयार होके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या होगा। ओके बाय, आई एम ऑल सेट और मैंने पहना है अपना फेवरेट शरारा। तो अब दोस्त की शादी में जाना है, थोड़ा बन ठन के तो जाएंगे ही जरूर, तो और लोग भी आने वाले हैं, सब लोग आ गए हैं। मेरी दी मेरे लिए वेट कर रही है क्योंकि वो मुझे छोड़ने वाली है वहां। सो मिलते हैं और वहीं मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी। सो बहुत देर हो रही है, जल्दी से चलो बाय। आशीर्वाद देना चाहेंगे ज्योति को? ज्योति को पता बना रही है। हाँ। ज्योति को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है, हमारी प्यारी भांजी है और उसका उसकी जो लाइफ है वैवाहिक जीवन उसका सुखमय रहे और बहुत सारी खुशियाँ हैं। धन्यवाद। मुझे पता है अभी तक आपने मेरा वीडियो काफी ज्यादा एंजॉय किया, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें भी मैं आपको बता दूं। सो आजकल चल रहा है काफी ज्यादा ठंडा, तो ठंडे में हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई रफ एंड पैचेस वगैरह होने लगते हैं और कभी कभी तो हमारी स्किन फट भी जाती है। आजकल मैं यू नो कोई एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन काफी ज्यादा अंदर से प्लम्प और बिल्कुल नरिश रहती है, जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प करती है मॉइस्चर को लॉक करने में डे टाइम पे। तो
लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट. ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई फेस सीरम. दिस इज एन एज डिफाइनिंग सीरम. 20s में ही अगर आप एज डिफाइनिंग चीजें यूज करने लग जाएंगे तो आपके रिंकल्स वगैरह यू नो काफी लेट आना शुरू होंगे. तो आप अपनी एज को रोक तो नहीं सकते बट थोड़ा स्लो जरूर कर सकते हैं प्रोसेस को. सो दिस इज विटामिन सी एंड ई सीरम. तो ये नो पैराबेन एंड नो सल्फेट है. सो मैं इसके 2-3 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेके इसको अच्छे से रब करके अपनी स्किन पे यू नो पैट करूंगी एंड इसको अच्छे से अपनी स्किन में ऑब्जॉर्व होने दूंगी. विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है एंड विटामिन ई आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो आप अच्छे से इसको अपनी स्किन में टैप कीजिए एंड यू कैन सी ये एकदम से आपकी स्किन को ना यू नो ग्लो एंड बहुत ही अच्छा सा रेडियंस इफेक्ट आपको देता है. सो जो उसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा तो आप जरूर से चेकआउट करना. सो अब आप एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो. बहुत ही ज्यादा हैप्पी खुशियों भरी रहे तो मैं यही कामना करती हूँ.